दिल्ली सरकार गलत रास्ते पर जा रही है। भारतीय ड्रोन गिराकर दुश्मन मुल्क की जासूसी की एक और कोशिश नाकाम बना दी है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, भारत सरहदी हदूद की बार बार खिलाफ वर्जी कर रहा था और मुसलसल हजीमत उठा रहा है। एआरवाई न्यूज से गुफ्तगू में वजीर खारजा ने कहा, भारत ने कोई हिमाकत की तो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पाकिस्तान तैयार है। आज एक मरतबा फिर भारत की जासूसी की कोशिश नाकाम हुई। आज फिर उनका एक जासूस ड्रोन पाकिस्तान ने मार गिराया, जो पाकिस्तान की सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी कर रहा था और 700 मीटर हमारे इलाके के अंदर मारा गया। आप देख रहे हैं कि मुसलसल इन्हें खिफत उठानी पड़ रही है। पहले पुलवामा का ड्रामा आपके सामने है, सर्जिकल स्ट्राइक्स का जो इन्होंने दावा किया वो बेनकाब हुआ, लद्दाख में नाकामी का सामना करना पड़ा, आरएसएस हिंदुत्व पॉलिसीज है उनकी नाकामी अब इतनी आया है कि भारत के अंदर उनमें इख्तलाफात शुरू हो गए हैं। उस वक्त जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, जो उनकी हिकमत अमली है, उस हिकमत अमली से उनकी अपनी अफवाज मुतमईन दिखाई नहीं देती और वो समझते हैं कि वो हमें बंद गली की तरफ धकेल रहे हैं और ये रास्ता जो अपना रहे हैं वो बहुत खतरनाक है। उनकी कोशिश है जवाब पैदा करने की किसी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए। मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं दोहरा देता हूं, ये हिमाकत न कीजिए। अगर भारत ने कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की कोशिश की, पाकिस्तान को तैयार पाएगा भारत और मुंह तोड़ जवाब मिलेगा उसको।